अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, एंड बेनवेनुती इटालियन ढाबा। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े का और थोड़ा डिफरेंट सा पुलाव बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुरादाबादी पुलाव। ये फ्लेवर में और टेस्ट में थोड़ा सा दूसरे पुलाव से अलग होता है। आप रेसिपी को पूरा देखें और इसको फॉलो करें तो आपको यकीनन इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने बीफ लिया है, ये 1 किलो बीफ है, जिसके थोड़े बड़े बड़े पीसीज हैं, इस तरह थोड़े बड़े बड़े पीसीज हैं। इसमें हम सबसे पहले कुछ चीज़ें डालेंगे, जिसमें कि ये एक लहसुन का बल्ब है, जिसको अच्छी तरह ऊपर से छिलके उतार के साफ कर लिया है, इसको ऐसे ही हम डाल देंगे। एक प्याज लिया है, प्याज को भी अच्छी तरह साफ बिल्कुल ऊपर से कर लेंगे और इसमें थोड़े से कट लगा लेंगे ताकि इसका जूस अच्छा सा इसके अंदर आ जाए, इसको डाल देंगे। इसके साथ 2 हरी मिर्चें डाल देंगे, इनको हल्की स्लिट लगा लेंगे ताकि इनका हल्का सा फ्लेवर जो है वो गोश्त में आ जाए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसके भी 4 पीस कर लिए, ये डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 बे लीफ, 2 काली इलायची, इनको थोड़ा सा खोल देंगे। दस बारह काली मिर्च। इसके साथ ही मेरे पास 3 चाय के चम्मच धनिया है और 3 चाय के चम्मच सौंफ है। मेरे पास इस तरह का एक स्ट्रेनर है, मैं इसमें डाल लूंगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी सफेद या साफ सुथरे कपड़े में एक पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। हम बंद कर देंगे। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि आपको छानना नहीं पड़ेगा बाद में स्टॉक को। ये इस तरह इसको में रख दें और इसके साथ हम इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। एक चाय का चम्मच जो है नमक डाल देंगे और इसको कवर कर पहले हम इसको तेज आंच के ऊपर एक उबाल आने देंगे। जब इसको एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसकी आंच को कम कर देंगे और इसको 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे, इतनी देर के गोश्त जो अच्छा सा गल जाए। गोश्त गल चुका है बिल्कुल अच्छा सा, अब हम इसमें से लहसुन को अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। चूल्हा हम बंद कर देंगे, ये जो लहसुन है इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसका पल्प जो है वो हम निकाल लेंगे और बाकी जो ये प्याज है और खड़ा गर्म मसाला है इसको निकाल के हम स्टॉक और जो गोश्त है उसको अलग अलग कर लेंगे। अब हम एक मसाला पीसेंगे जिसमें हम सिर्फ ये 3 चीज़ें लेंगे, 5-6 सब्ज़ी इलायची है, 1 खाने का चम्मच धनिया है, 1 खाने का चम्मच सौंफ है, हम इनको बारीक पीस लेंगे। एक कप हमने ऑयल लिया है और उसके अंदर हमने 2 दरमियाने साइज की प्याज जो है उनको फ्राई करके अलग कर लिया है। अब जो बाकी ऑयल है इसके अंदर हम डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने जुलियन कट कर लिया, 3 हरी मिर्चें जिनको हमने स्लिट लगाई है ये डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच काला जीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4-5 लौंग है ये डाल देंगे और इसके साथ हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसको सौते करेंगे।
बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, बस अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए इतना पकाएं। अदरक लहसुन का जब कच्चापन खत्म हो जाए तो ये जो गोश्त है हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हमने जो पल्प निकाला था ये भी डाल देंगे और 3/4 कप हम इसमें दही डाल देंगे। और इसको अच्छे से तेज आंच के ऊपर इसको अच्छे से भून लेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसमें ये स्टॉक डाल दूंगी। मैंने 750 ग्राम चावल लिए थे उस हिसाब से मैं इसमें 1 लीटर तक लिक्विड डालूंगी। जितना स्टॉक है उसके अलावा जो पानी है वो मैं डालूंगी। आप अपने चावलों के हिसाब से स्टॉक डाल लें और उसके बाद जितना आपको पानी की ज़रूरत हो वो अपना पानी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ही पानी और डालना पड़ेगा। कोई चावल जो होते हैं वो ज़्यादा पानी लेते हैं, कोई चावल जो होते हैं वो कम पानी लेते हैं, तो आप चावलों के हिसाब से पानी डालें आप स्टॉक समेत। स्टॉक को बॉयल आ गया, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। एक दफ़ा हिला देंगे इनको और इसके साथ ही हम इसमें चावलों का नमक भी डालेंगे। पहले तो हमने स्टॉक का नमक डाला था, अब चावलों का नमक डालेंगे। मैं 2 चाय के चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल लें। कवर कर देंगे दरमियानी आंच पर। जब पानी खुश्क हो जाए और इस तरह थोड़े थोड़े से बबल्स रह जाएं, तो हम इसमें जो हमने मसाला पीसा था ये वाला डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। और हम इसमें थोड़ा सा ये कलर डाल देंगे, येलो कलर। अब हम इसको दम पर लगा देंगे। पहले हम दरमियानी आंच पर इसको 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल आहिस्ता आंच पर रख देंगे, उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, लेकिन इसको 5-10 मिनट के लिए कवर ही रहने देंगे। 5-10 मिनट हो चुके हैं हमारा चूल्हा बंद किए हुए, अब इनको फ़ौरन से नहीं हिलाएंगे, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, फिर स्टीम निकल ले फिर हिलाएंगे। ये हमारा मज़ेदार सा मुरादाबादी पुलाव बनकर तैयार है और जैसा कि ये देखने में मुनफरिद लग रहा है, इसी तरह इसका जायका भी मुनफरिद है दूसरे पुलाव की निस्बत। आप इसको अपने घर के किचन में ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर किया करें। कमेंट में हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब आप इसको अपने घर के किचन में बनाएं और इसके साथ एक मज़ेदार सा रायता बना लें और इसको मज़े से इंजॉय करें।